हाय नमस्ते एंड वेलकम डियर व्यूवर्स टू टुडेज वीडियो। वेल, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आपको कुछ अंदाजा तो लग ही गया होगा स्क्रीन पर देख करके। वेल यस, कॉर्पोरेट लॉज की एक और केस स्टडी पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, और जिस केस को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके फैक्ट्स और जजमेंट को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, दैट वॉज बेसिकली अ केस ऑफ अली बाबा नबी बादशाह वर्सेस द स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड अदर्स का, जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था और जिसके संबंध में जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 23rd of September 2020 को दिया गया था। क्या है ये केस और क्या इसमें चीजें बताई गई थी? सवाल जो उठाया गया वो सवाल था कि क्या किसी भी कंपनी का डायरेक्टर जब उस कंपनी से रिजाइन कर देता है तो रेजिग्नेशन के बाद वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं, होगा तो कब होगा, और अगर नहीं होगा तो स्पेसिफिकली इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से कब नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और सेक्शन नंबर 138 अलोंग विद 141 जो यहां पर उठाया गया। फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ इस तरह से हमारे सामने आते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पिटिशनर यानी कि हमारे अली बाबा नबी बादशाह दो अलग लोग नहीं है, एक ही है, और साथ में उनके 40 चोर भी नहीं है, सिर्फ अली बाबा है। वेल, ये पिटिशनर है आपके इस केस में, और अली बाबा के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी जाती है वेर इन ही प्रेस फॉर क्वैशिंग और डिक्लेयरिंग ऑफ इनवैलिड 5 कंप्लेन केसेस जो कि अली बाबा के अगेंस्ट इनिशिएट करे गए थे, पिटिशनर के अगेंस्ट इनिशिएट करे गए थे बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि आपकी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस है, उसके द्वारा 5 कंप्लेन केसेस अली बाबा के अगेंस्ट लगाए जाते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड दैट वॉज पेंडिंग फॉर अ डिसीजन इन फ्रंट ऑफ द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ साउथ दिल्ली। वेल, कंप्लेन किस चीज की होती है अली बाबा के अगेंस्ट? ये स्मॉल एग्री बिजनेस किस चीज का कंप्लेन करता है जिसका केस साउथ दिल्ली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आगे पेंडिंग चल रहा था? तो वो कंप्लेन होती है अबाउट द रिटर्न ऑफ 5 चेक्स। 5 चेक थे जो कि इशू करे जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट 2। रिस्पॉन्डेंट 2 यहां पर एक कंपनी है भाई, वो कंपनी जिसमें अलीबाबा डायरेक्टर हुआ करते थे, उस कंपनी के द्वारा 5 चेक जारी करे जाते हैं, रिस्पॉन्डेंट 1 को जारी करे जाते हैं जिसका एग्रीगेट अमाउंट 45 लाख रुपीज, और इन्हीं चेक्स के डिसऑनर हो जाने के संबंध में अली बाबा के खिलाफ, इन एडिशन टू दैट रिस्पॉन्डेंट 2 कंपनी अली बाबा के खिलाफ स्मॉल एग्री बिजनेस ये कंप्लेन केसेस फाइल करता। अब इसके थोड़े से और डिटेल्स कुछ इस प्रकार थे कि ये जो स्मॉल एग्री बिजनेस है ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है। इट वॉज अ वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी जिसने की वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रोवाइड करी थी यही 45 लाख रुपए की उस रिस्पॉन्डेंट 2 कंपनी को, जिसके जिसमें अली बाबा पहले डायरेक्टर हुआ करते थे और जिसमें से वो रिजाइन कर चुके थे। और ये वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करने का अग्रीमेंट होता है स्मॉल एग्री बिजनेस और रिस्पॉन्डेंट 2 कंपनी के बीच में वे बैक इन द ईयर 2011, 3rd March 2011 को ये अग्रीमेंट हुआ था कि हम आपको ये वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, आप अपना बिजनेस शुरू करिए और जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग्स होना शुरू हो तो ये पैसा हमें लौटा दीजिए। और ये जो 5 चेक्स जिनके डिसऑनर या रिटर्न के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये 5 चेक्स वर पर्पोर्टेडली बीइंग इशूड By that second company in question to discharge its liability of 45 lakh rupees towards a small agri business. तो भाई एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, दूसरी कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट 45 लाख रुपए का लोन देती है, लोन के रिपेमेंट में 5 चेक अराउंड 45 लाख 45 लाख रुपए के स्मॉल एग्री बिजनेस को दिए जाते, डिसऑनर हो जाता है और कंप्लेन लग जाती है कंपनी रिस्पॉन्डेंट 2 कंपनी के खिलाफ भी और अली बाबा जो उसके डायरेक्टर थे। पर
असल मुद्दा तो यहाँ से शुरू होता है। अली बाबा जो आपके पिटिशनर हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जिन्होंने इस पिटिशन को फाइल करा, ही सीज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी जो ये चेक जारी करी थी। ही सीज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ दैट रिस्पोंडेंट टू कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 27th of October 2010, 8 साल पहले, विच वॉज 8 years प्रायर टू विच द चेक वॉज बींग इशूड। इनफैक्ट उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, और इस रेजिग्नेशन को उस समय जो आरओसी की वेबसाइट पर फॉर्म 32 भर करके, ई फॉर्म 32 भर करके अपलोड करा जाता था, आरओसी को नोटिफाई करा जाता था, वो सब चीजें हो गई थी। 4 अप्रैल 2011 को ही पब्लिक डोमेन में फॉर्म 32 अवेलेबल था दैट अली बाबा नबी बादशाह ने रिस्पोंडेंट टू कंपनी से रिजाइन कर दिया। इट वॉज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसी। तो अब अली बाबा का ये कहना पड़ता है कि साहब मैं तो डायरेक्टर था लेकिन रिजाइन कर चुका था ना इस कंपनी से, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा गया जिसमें कि एग्री बिजनेस रिस्पोंडेंट टू कंपनी को वेंचर कैपिटल फंड दे रही है 45 लाख रुपए का, ये अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 3 मार्च 2011 को हुआ, R1 R2 यानी स्मॉल एग्री बिजनेस और इस सेकेंड कंपनी के बीच में, और उसके बाद चेक इशू हुए और सब डिसऑनर हुए। यार मैं तो इस अग्रीमेंट के होने के भी पहले से रिजाइन कर चुका हूं कंपनी से, तो बताइए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ दैट रिस्पोंडेंट टू कंपनी? हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर द डिसऑनर ऑफ दीज चेक्स जो R2 ने R1 को दिए, यानी स्मॉल एग्री बिजनेस को जो मिले थे चेक्स? रिस्पोंडेंट वन यानी जो स्मॉल एग्री बिजनेस जिसने कि आपके अली बाबा के अगेंस्ट ये केस फाइल करा था ना, जो साउथ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कंप्लेन पेंडिंग थी, उनका ये कहना पड़ता है भाई कि ये अली बाबा भले ही रिटायर कर चुका, रिजाइन कर चुका था, लेकिन ही वॉज द पर्सन हु वॉज इन्वॉल्व इन ऑल द डिस्कशंस जो अग्रीमेंट होने के पहले हुए थे, जब हम यानी स्मॉल एग्री बिजनेस रिस्पोंडेंट टू कंपनी को ये वेंचर कैपिटल देने का प्लान बना रहे थे। ये अग्रीमेंट हुआ उसके पहले जितने डिस्कशन हुए उसमें वो इन्वॉल्व होता था। इनफैक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर ऑफ दैट R2 कंपनी ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ऑल द मीटिंग्स, और जब हमारे यानी स्मॉल एग्री बिजनेस के ऑफिशियल्स साइट विजिट, कंपनी विजिट पर आते, उनके फाइनेंशियल्स, उनके ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करते, R2 के जिनको हमें 45 लाख रुपए का वेंचर कैपिटल दिए हैं, ये उनको असिस्ट करता, ये उन मीटिंग्स में प्रेजेंट होता था, तो इसलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या वो अग्रीमेंट बाद में हुआ, तो क्या वो चेक बाद में दिए गए और चेक बाद में डिसऑनर हो गए और ये तब तक रिजाइन कर चुके थे अली बाबा, स्टिल रिस्पॉन्सिबल? देन कम्स द जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट दैट क्लियरली मेक्स एवरीथिंग क्रिस्टल एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट। अक्यूज्ड यानी अली बाबा रिजाइन कर देते हैं कंपनी से, एंड रेजिग्नेशन वॉज सबमिटेड टू द आरओसी वेल प्रेजेंट इन द पब्लिक डोमेन एज वेल। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया, अग्रीमेंट होने के पहले रिजाइन कर दिया, उसके बाद वो कंपनी की किसी भी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बचे ही नहीं। ही इज नो लॉन्गर इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड बाय द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन द जजमेंट एज कॉन्टेम्पलेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। द पिटिशनर इज नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अली बाबा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई। डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर किसी भी कंपनी का होगा, जब इस तरीके की विजिट्स होंगी, कोई अग्रीमेंट होने होंगे, एज अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर एक्ट तो करेगा, बट वंस ही रिजाइन्स फ्रॉम द कंपनी ही कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स दैट टेक्स प्लेस इन द कंपनी आफ्टर द रेजिग्नेशन। द पिटिशनर द अक्यूज्ड दैट इज अली बाबा इज नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एनी चेक्स दैट आर इशूड और डिसऑनर्ड। जो भी कंप्लेन केसेस, ये पांचों कंप्लेन केसेस जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साउथ दिल्ली में फाइल करे गए हैं अगेंस्ट अली बाबा अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आर क्वैश्ड। दैट वाज जजमेंट।
And that's all about in today's video. I hope you enjoyed and got to understand what happened in this case study. We'll see you with some more case studies in the next videos. Till then, bye-bye and do take care. Namaste.